तो आज बच्चों जो हमें टॉपिक पढ़ना है सबसे पहले आपके साथ, इस टॉपिक का नाम है इनडिफरेंस कर्व। बेसिकली हम जो पढ़ रहे हैं अभी, अगर आपको याद हो, ऑर्डिनल अप्रोच पढ़ रहे हैं। ऑर्डिनल अप्रोच जो हमारे श्री श्री जे आर हिक्स साहब ने हमें दी थी, उसके बारे में चर्चा चल रही है मेनली, जिसमें आपको अभी तक हम सिखा चुके हैं कि बंडल क्या होता है, बजट सेट क्या होता है, बजट कॉन्स्ट्रेंट और बजट लाइन क्या होती है मेनली तो वो, और बजट लाइन के स्लोप को कैसे निकालना है। प्लस आपने लास्ट लेक्चर में ये भी सीख लिया था कि बजट लाइन जो है वो किस प्रकार से राइट में या लेफ्ट में शिफ्ट हो जाती है ना। तो उसी की स्टडी है, और उसके अंदर जो अब अगला टॉपिक बनता है हमारा, उसका नाम होता है इनडिफरेंस कर्व। तो इसके लिए आप अपने नोट्स के लेफ्ट पेज पर आ जाओ मेरे साथ, और मैं भी आ जाता हूँ, और फिर वहाँ से हम अपनी कहानी शुरू करेंगे। सबसे पहले आप सभी बच्चों को मैं बहुत 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 थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि इतने कम समय में आपने जो हमारे चैनल को प्यार दिया है और आपने जो हमारे चैनल को सपोर्ट किया है, उससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। आपके इतने अच्छे अच्छे इतने सारे कमेंट्स आते हैं हमारे पास कि सर हमारी पढ़ाई चल रही है आपके साथ, हमारे स्कूल में बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं। तो ये सब पढ़कर ये सब सुनकर मुझे भी बहुत मोटिवेशन मिलती है। और बच्चों मैं चाहता हूं कि मैं इसी तरह आपको 100% बेस्ट क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करता रहूं, ताकि आपके स्कूल में और आपके फाइनल एग्जाम्स में मार्क्स बहुत अच्छे आएं। अब इस छोटे से वीडियो मैसेज में मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताने आया हूं। क्या आपको पता है, जब आप हमारी वीडियोस को देखते हैं तो नीचे आपको एक थैंक्स का बटन नजर आता है। ये यूट्यूब का एक बहुत ही अमेजिंग फीचर है जिसको बोलते हैं सुपर थैंक्स। आप सभी बच्चों के प्यार और आप सभी बच्चों के ही कम्युनिटी को मिलाकर हमारा ये चैनल बनता है। अब जो भी आप बच्चे अगर हमारी इस वीडियो सीरीज को एंजॉय करते हैं और इससे अच्छे से पढ़ाई करते हैं, तो आप अपना एक छोटा सा सुपर थैंक्स हमारे पास इस बटन के थ्रू भेज सकते हैं। अब आपको लगेगा कि सर ये सुपर थैंक्स हम आपको क्यों भेजें, हम आपको ये एक रुपया भी क्यों दें। तो बच्चों मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये सुपर थैंक्स सिर्फ रुपए का नहीं होता, ये सुपर थैंक्स होता है एक फीलिंग का, एक सपोर्ट का, और एक हमारे दिल से दिल के कनेक्शन का। और इसके अलावा हमारा जितना भी सुपर थैंक्स के थ्रू फंड रेज होता है, वो सीधा जाता है बच्चों हमारे आरकेजी फाउंडेशन। आरकेजी फाउंडेशन हमारा एक एनजीओ है, जिसके तहत हम क्लास 6 से लेकर क्लास 12 के सभी अंडर प्रिविलेज्ड स्टूडेंट्स को उनके एजुकेशन में मदद करते हैं। तो बच्चों आपका ये छोटा सा सपोर्ट हमारे चैनल को मोटिवेशन देता है, हमें प्रोत्साहित करता है कि हम और बेहतर कंटेंट आपके लिए बनाएं, और हमारी पूरी कोशिश रहती है कि आपको 100% इस तरह से कंटेंट प्रोवाइड किया जाए कि आप अपने मार्क्स बहुत अच्छे से स्कोर कर पाए। तो आप जब भी मेरी कोई वीडियो अगर इंजॉय करें और उसमें आपको पढ़ने में मजा आए, आपकी कोई नई लर्निंग हो, कोई वैल्यू एडिशन मिले, तो प्लीज अपना सपोर्ट जरूर दीजिएगा। आपका ये छोटा सा सपोर्ट शायद किसी और बच्चे की इनडायरेक्टली मदद भी कर दे। तो बच्चों बहुत बहुत प्यार आप सभी बच्चों को, और हाँ जितने भी सुपर थैंक्स हमें मिलेंगे उन सारे सुपर परचेजर्स को मेरी तरफ से मिलेगा स्पेशल शाउट आउट। आपका कमेंट तो अलग से पिंड होगा ही, और साथ ही साथ हमारे कम्युनिटी पोस्ट पे मैं सभी हमारे सुपर परचेजर्स को अलग से थैंक्स बोलूंगा। तो बच्चों यही छोटा सा वीडियो मैसेज मैं आपके साथ लेकर आया था, और आई होप आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही हो और आगे भी चलती रहेगी। बाकी वीडियो पूरी कंप्लीट देखना, पढ़ाई इस लेक्चर की कंप्लीट करना, और अपने जो रेगुलर कमेंट्स आप करते हो वो जरूर जरूर करना। थैंक यू सो मच। चलो तो आपको मेरे साथ एक टैबुलर फॉर्मेट बनाना है, हम इस टैबुलर फॉर्मेट के माध्यम से अपनी बातें समझाएंगे आपको। तो आपको एक कॉलम बनाना है, पहले कॉलम का नाम है कॉम्बिनेशन, दूसरे कॉलम का नाम है एप्पल, और तीसरे कॉलम का नाम है ऑरेंज संतरा, बाकी चौथा कॉलम अभी छोड़ देना, फिलहाल उसकी ज़रूरत नहीं है। तो पहले हम तीन कॉलम्स बना लेते हैं अपनी चर्चा को शुरू करने के लिए। पहला कॉलम कॉम्बिनेशन, दूसरा कॉलम एप्पल, तीसरा कॉलम ऑरेंज। तो कॉम्बिनेशन के नीचे आप लिखना ए। तो पहला कॉम्बिनेशन है एक एप्पल और 11 ऑरेंजेस संतरे। तो अब हम आपको एक एप्पल देंगे खाने के लिए और 11 संतरे देंगे खाने के लिए, तो आपको दोनों गुड्स को कंज्यूम करना है। तो आपको याद है ना बंडल में कितने गुड्स होते हैं,
दो। तो इस अप्रोच में आपको हमेशा दोनों गुड्स मिलते हैं। तो आपको एक एप्पल दिया और 11 संतरे दिए, तो आपको मज़ा आया होगा, कुछ ना कुछ अच्छा लगा होगा, सेटिस्फैक्शन मिला होगा, है ना। अब मैं कॉम्बिनेशन चेंज कर दूंगा, तो अब हम लिखते हैं इसके नीचे बी कॉम्बिनेशन। अब मैं आपको एक एप्पल ज्यादा दूंगा, यानी कि मैंने अब आपको कितने एप्पल दिए, दो। अब मैं ये चाहता हूं कि जितना सेटिस्फैक्शन या जितनी संतुष्टि आपको पहले कॉम्बिनेशन पर मिली थी, उतनी ही आपको अभी भी मिलनी चाहिए। तो मेरे को ये करने के लिए कि जितना सेटिस्फैक्शन आपको पहले मिला उतना अभी भी मिले, मुझे आपको कम संतरे देने पड़ेंगे, क्योंकि अगर मैं संतरे भी ज़्यादा दे दूंगा फिर तो आपके मज़े बढ़ जाएंगे। तो मैंने आपको अगर एप्पल एक्स्ट्रा दिया, तो अब मैं संतरे की क्वांटिटी क्या करूँगा, कम करूँगा, क्योंकि मैं क्या चाहता हूँ, सेटिस्फैक्शन को इक्वल रखना चाहता हूँ, ये इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो अब मैं आपको थोड़े से कम संतरे दे दूंगा। अब मैं आपको मान लेते हैं 7 संतरे दूंगा, 7 संतरे। तो इस बार आपने क्या क्या कंज्यूम करा, बोलो अपने मुंह से, 2 एप्पल और 7 संतरे। तो इस कॉम्बिनेशन को कंज्यूम करके आपको कितना मजा आया, सेम आया, ज्यादा नहीं आया, कितना मजा आया, सेम आया। तो अगर आपको मैं ए कॉम्बिनेशन दूं या बी कॉम्बिनेशन दूं, दोनों में आपको मजे सेम आए। मैंने कहा चलो एक और काम करते हैं, एक तीसरा कॉम्बिनेशन बना लेते हैं सी। अब इस बार आपको एक एप्पल और दे रहा हूं एक्स्ट्रा, तो अब आपको मैं 3 एप्पल्स दूंगा। अब मैं फिर से वही चाहता हूं कि आपका सेटिस्फैक्शन सेम रहे। तो अगर मैंने एप्पल की क्वांटिटी बढ़ाई, तो मैं ऑरेंज की क्वांटिटी क्या करूंगा, कम करूंगा। तो मान लेते हैं मैंने ऑरेंज को घटाकर कर दिया 4 ऑरेंजेस। तो इस बार आपने क्या खाया, 3 एप्पल्स और 4 संतरे। तो 3 एप्पल्स और 4 संतरे खा के आपको कितना मजा आया, सेम मजा आया। तो यानी कि बड़े ध्यान से सुनना, आपको अगर कोई लेफ्ट गाल पे 1 थप्पड़ और राइट गाल पे 11 थप्पड़ मारे, तो आपको उतना ही दर्द हो रहा है जितना बी कॉम्बिनेशन पे 2 थप्पड़ इधर और 7 थप्पड़ इधर, या जितना सी कॉम्बिनेशन पे 3 थप्पड़ इधर और 4 थप्पड़ इधर। इसका मतलब आपको तीनों कॉम्बिनेशन में जो संतुष्टि मिल रही है वो क्या मिल रही है, सेम मिल रही है ना। उसके बाद जी डी कॉम्बिनेशन एक और लिख लेते हैं भाई, मजे आ रहे हैं। तो अब मैंने आपको 4 एप्पल्स कर दिए, अब आपको 4 सेब मिल रहे हैं और अब आपको संतरे कम मिलेंगे। तो मान लेते हैं अब आपको खाली 2 संतरे दे देते हैं। तो अब इस कॉम्बिनेशन पर भी आपको कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, सेम मिल रहा है। और एक और लिख लेते हैं ताकि 5 हो जाए कंप्लीट, ई। अब मैंने आपको 5 सेब दिए खाने के लिए, 5 एप्पल्स और संतरा 1। तो ई कॉम्बिनेशन पर भी आपको कितनी संतुष्टि मिल रही है, सेम। तो अब मजेदार बात यह है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कि चाहे आप ए कॉम्बिनेशन पर हो, चाहे आप बी कॉम्बिनेशन पर हो, चाहे सी पर हो, चाहे डी पर हो, चाहे ई पर हो, इन सभी कॉम्बिनेशंस पर सबसे मजेदार बात यह है कि आपको जो संतुष्टि मिल रही है वो कैसी मिल रही है, सेम मिल रही है, आपका सेटिस्फैक्शन सेम है। तो अगर कोई आपको ए कॉम्बिनेशन दे देगा, ए बंडल दे देगा, मतलब ये बंडल भी है, कॉम्बिनेशन का मतलब है, लिख लो जाए ऊपर बंडल। अगर आपको कोई ए थैला देगा, या आपको कोई बी थैला दे, या सी दे, या डी दे, या ई दे, कोई भी बंडल दे, आप हर बंडल पे आपको कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, सेम मिल रहा है। पहले इतनी कहानी क्लियर हुई। तो अंग्रेजी में, आप तो सब बच्चे अंग्रेजी के ज्ञानवादी योद्धा हो, तो अंग्रेजी में सेम होने को इनडिफरेंट होना भी कह सकते हैं हम। इनडिफरेंट होने का मतलब है कि भाई जो डिफरेंट ना हो, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़े, आपको चाहे कोई ए कॉम्बिनेशन दे, चाहे बी दे, चाहे सी दे, चाहे डी दे, चाहे ई दे, बताओ आपको फर्क क्यों नहीं पड़ रहा, क्योंकि आपको सब सेटिस्फैक्शन बराबर ही मिलेगा। तो इसी कार्यक्रम को हम कहते हैं एक तरह से कि कंज्यूमर जो है वो अलग अलग बंडल्स पर क्या है, इनडिफरेंट है। तो उसको आप चाहे कोई भी बंडल दो, उसका सेटिस्फैक्शन क्या रहेगा, सेम रहेगा।
अब इसको क्या हम ग्राफ पे प्लॉट कर सकते हैं? कर सकते हैं। चलो तो अब इसकी सुंदर सुंदर प्लॉटिंग करके डायग्राम बनाने की कोशिश करें क्या? तो आप तो यस कह रहे हो लेकिन मैं नो कहूंगा, क्योंकि प्लॉटिंग करके करेंगे तो फिर आप पागल से हो जाओगे। तो हम बिना प्लॉटिंग के ही करेंगे लेकिन मैं सिखाऊंगा। तो आप एक सुंदर सा डायग्राम बना लो अपने वही लेफ्ट पेज पर, और एक्स एक्सिस ओरिजिन, वाई एक्सिस ये मार्क कर लो। एक्स एक्सिस पर क्या लिखना है अब आप बताओगे? एप्पल। वेरी गुड। तो बच्चे होशियार हैं, मतलब गुड एक्स या एप्पल। और वाई एक्सिस पर क्या लिखेंगे हम? गुड वाई, मतलब ऑरेंज। तो अब ऐसी, हालांकि हम प्लॉटिंग नहीं कर रहे, एग्जैक्ट प्लॉटिंग नहीं कर रहे, लेकिन जस्ट ऐसी बोलने के लिए, हमारा पहला कॉम्बिनेशन क्या था? वन एप्पल और 11 ऑरेंज। तो मान लो अगर मैं इसकी प्लॉटिंग करूं, फॉर एग्जांपल करूं, तो एप्पल हमारा कितना यूनिट है? 1। और ऑरेंज हमारे कितने यूनिट है? 11। तो ऐसी बोल रहा हूं, तो हमारा एक बंडल जो है वो यहां पर कहीं मार्क हो जाएगा। ऐसी होगी ना प्लॉटिंग, तो अगर करते तो। फिर नेक्स्ट हमारा कॉम्बिनेशन क्या है? 2 एप्पल और 7 ऑरेंज। यानी एक्स एक्सिस पर तो हम आगे बढ़ रहे हैं और वाई एक्सिस पे नीचे जा रहे हैं, कम हो रहे हैं। तो अगर मैं प्लॉटिंग करता, ऐसी बोल रहा हूं, तो मेरी बिंदी कहीं यहां पर आ रही होती, ऐसी आती। समझ आ रहा है आपको? तो हमको एक्चुअल प्लॉटिंग करनी नहीं है, बस रेफरेंस लेना है। ठीक है आइसक भाई? फिर इसी तरह थर्ड कॉम्बिनेशन क्या था? 3 एप्पल्स, फिर संतरे और कम हो गए थे, है ना। इसी तरह फोर्थ कॉम्बिनेशन क्या था? 4 एप्पल्स, फिर संतरे और कम हो गए थे। तो बेसिकली आपकी प्लॉटिंग जो होंगी वो इसी तरह से बनेंगी, बिंदु। अब मजेदार बात ये कि जब इन बिंदुओं को जोड़कर एक कर्व बनाया जाता है, वो कैसा बनता है, ये है सबसे इसमें खूबसूरत बात। तो वो बिल्कुल स्ट्रेट बनता है, स्केल की लाइन की तरह। ऐसा बच्चे जो सोचते हैं उनसे बड़ा नलायक कोई पृथ्वी पर पैदा नहीं हुआ। तो अब आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट बात सीखनी है वो यही सीखनी है कि इनडिफरेंस कर्व जो होता है वो कभी भी स्ट्रेट नहीं बनता। ओके, तो वो एक फ्री हैंड कर्व आपको बनाना है नीचे की तरफ, लेकिन वो कैसी शेप बनाएगा? ऐसी शेप बनाएगा, यानी वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, सीधी स्केल से लकीर बिल्कुल भी नहीं बनानी। अगर आपने वो बनाई तो वो तो बजट लाइन बन जाएगी फिर। तो एक बार अपने मुंह से बोलो कि ये वाला इंडिफरेंस कर्व जो है, या ये कर्व, क्या स्ट्रेट लाइन बनाना है हमको? नहीं बनाना। तो ये आपको हाथों से फ्री कर्व बनाना है, और इसकी शेप को कौन बच्चा बताएगा? कॉनकेव। तो ये वो नलायकी है जो आपको अव्वल दर्जे का नलायक बनाएगी। कॉनकेव तो पीपीसी हुआ करते थे पुराने चैप्टर में, जब जिनकी पीठ झुकी हुई होती थी, कॉनकेव तो वो होते हैं। इस शेप को बोला जाता है कॉन्वेक्स। तो अब पहले आप इतना बना लो और बादल भी लिख लो अच्छे से, फिर मुलाकात करते हैं। चलो तो अब इस कर्व को बोलते हैं इनडिफरेंस कर्व, आईसी। तो शॉर्ट में आप लिख लो, इस कर्व का नाम होता है इनडिफरेंस कर्व। तो बड़े ध्यान से सुनना, अगर हम ए कॉम्बिनेशन की प्लॉटिंग करते तो वो यहां होती, बी कॉम्बिनेशन की प्लॉटिंग करते तो मान लो वो यहां होती, सी कॉम्बिनेशन की प्लॉटिंग करते तो मान लो वो यहां होती, डी कॉम्बिनेशन की प्लॉटिंग करते तो मान लो वो यहां होती, थोड़ा सा इधर की तरफ बना लेता हूं, और ई कॉम्बिनेशन की प्लॉटिंग करते तो वो यहां होती, है ना। तो यानी कि अगर मैं प्लॉटिंग करता तो ये प्लॉटिंग कुछ कुछ ऐसी होती। समझ आ गई बात? ए बी सी डी ई, समझ गए क्या है? ये बंडल्स, ए बी सी डी ई क्या है? ये बंडल्स हैं। हाँ, तो ए बी सी डी ई जो ये बंडल्स हैं ना, मैं लिख देता हूं चाहे दोबारा। तो चाहे आप ए बंडल ले लो, चाहे आप बी बंडल ले लो,
चाहे आप सी बंडल ले लो, चाहे आप डी बंडल ले लो, चाहे आप ई बंडल ले लो, बताओ इनमें क्या खासियत है? इंडिफरेंस है, सब सेम है। तो आपको कहीं पर भी अगर खड़ा कर दिया जाए इन पांचों में से, तो आपको इसका मतलब सेम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। तो इससे हम एक कॉन्क्लूजन निकाल सकते हैं, वो ये कॉन्क्लूजन निकाल सकते हैं कि इस कर्व पर अगर कोई भी बिंदी बना दी जाए तो इसका मतलब वो बिंदी क्या दर्शाएगी? सेम सेटिस्फैक्शन है। तो इस पूरे झूले पर अगर आप कहीं भी खड़े हो जाओ तो दैट मींस यू आर इनडिफरेंट, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस पूरे झूले पर कोई भी बंडल जो होगा वो क्या दर्शाएगा? सेम सेटिस्फैक्शन दर्शाएगा। तो समझ आ गई कहानी? तो ये होता है जी इनडिफरेंस कर्व। तो अब देखो नोट्स में आते हैं, तो ये बात हमको यहां पर पहली लाइन में दे रखी है। तो पहला पॉइंट जो था वो हमारा इनडिफरेंस कर्व का था। तो देखो इसमें क्या दे रखा है कि इट इज अ कर्व, ये एक कर्व है विच शोज, जो दिखाता है कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स को आप क्या बोल सकते हो एक वर्ड में? बंडल। वेरी गुड। तो कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स को मैं शॉर्ट में बंडल भी कह सकता हूं। तो इनडिफरेंस कर्व क्या दिखाता है? इट शोज ऑल द बंडल्स दैट गिव, जो क्या देते हैं हमें? इक्वल सेटिस्फैक्शन। तो बस इसी को बोलते हैं इनडिफरेंस कर्व। तो क्लियर हो गया? उसके बाद दूसरा पॉइंट, वो छोटा सा पॉइंट है, दूसरे पॉइंट का नाम है इनडिफरेंस मैप। इनडिफरेंस मैप किसे बोलते हैं? तो इनडिफरेंस मैप के लिए आप वापस से अपने लेफ्ट पेज पर एक बहुत छोटा सा डायग्राम बना लेना, मैं भी बना लेता हूं, जहां पर ये बनाया ना उसी के जस्ट बाजू में बना लो आप, या नीचे बना लो, जहां आपको लगे, बहुत छोटा सा बनाना है कि इनडिफरेंस मैप किसे बोलते हैं। तो इसमें भी आप मार्क कर लो गुड एक्स, गुड वाई, और एक इनडिफरेंस कर्व बना लो ऐसी, और एक और इनडिफरेंस कर्व बना लो, एक और इनडिफरेंस कर्व बना लो। तो सर इसमें तीन तीन इनडिफरेंस कर्व बन गए। हाँ चार बना लो, आपका मन नहीं भरा तो सर चार चार इनडिफरेंस कर्व। हाँ चार बना लो, और बनाने हैं पांच छह सात आठ नौ दस, तो कितने भी बनाते चलो बस। तो जब बहुत सारे इनडिफरेंस कर्व इकट्ठे हो जाएं तो इसे क्या नाम देते हैं हम? इनडिफरेंस मैप। तो इनडिफरेंस मैप का मतलब हो गया जहां पर समूह है, जहां पर बहुत सारे इनडिफरेंस कर्व इकट्ठे हो गए एक ही डायग्राम पे, तो बस इस डायग्राम को बोल देते हैं इनडिफरेंस मैप। तो ये हो गया जी आपका इनडिफरेंस मैप, ठीक है जी। अब तीसरा पॉइंट, पढ़ते रहना पढ़ते रहना पढ़ते रहना, मैं आया हूं बस छोटा सा एक मैसेज लेकर, जरा देखू तो सही कि बच्चे पूरी वीडियो ध्यान से पढ़ रहे हैं कि नहीं। मुझे नीचे कमेंट करके बताना कि वीडियो के किस मोमेंट पर एग्जैक्टली आप मेरा ये वीडियो मैसेज सुन रहे हो, जरा पता तो चले कि बच्चे पढ़ाई कर भी रहे हैं वीडियो से या नहीं। और हाँ, बिजनेस स्टडीज की अच्छी प्रिपरेशन करने के लिए अंकुर अग्रवाल सर के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वहां पर बिजनेस स्टडीज के ऑलरेडी लेक्चर स्टार्ट हो चुके हैं। ऑल द बेस्ट। तो पढ़ लो, देखो इनडिफरेंस मैप के बारे में क्या लिखा है। इट इज द कलेक्शन ऑफ इनडिफरेंस कर्व्स That represent different level of satisfaction. तो जब बहुत सारा समूह हो जाता है इकट्ठा इंडिफरेंस कर्व का, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इंडिफरेंस मैप बोलते हैं। उसके बाद जी नंबर थ्री, इस पर आप मार्क कर लो वन मार्क। ये अकेला पॉइंट एक नंबर में काफी बार एग्जाम में पूछ चुका है। इसका नाम है मोनोटॉनिक प्रेफरेंस, और इसकी डेफिनेशन आपको एज इट इज जो यहां लिखी है वो रटनी है। हाँ समझाऊंगा मैं, वो अलग बात है, लेकिन एग्जाम में कौन सी लिख कर आओगे जो यहां पे दे रखी है। लेकिन हाँ मीनिंग हम समझाएंगे आपको कि मोनोटॉनिक प्रेफरेंस किसे कहते हैं। तो भाई अब मैं आपके सामने दो थैले बना रहा हूं, ठीक है आइसक भाई। तो पहले थैले में 10 बर्गर रखे हुए हैं और 9 पिज्जा रखे हुए हैं।
और एक और दूसरा थैला बना रहा हूं। दूसरे थैले में 9 बर्गर रखे हुए हैं और 9 पिज्जा रखे हुए हैं। अब तुम खड़े हो यहां, तो बताओ तुम कौन से थैले की तरफ भागोगे जिसमें 10 बर्गर और 9 पिज्जा है? आप किस थैले की तरफ भागेंगी मैडम? हम सब किस थैले की तरफ भागेंगे? तुम तो नकली हो। तो हम सब भागेंगे इस थैले की तरफ, और अगर आप नहीं भागोगे तो इसका मतलब आप जेआर हिक्स के हिसाब से कंज्यूमर ही नहीं हो, रैशनल वाले। इसका मतलब आपकी बुद्धि भ्रष्ट है। तो मोनोटॉनिक प्रेफरेंस का मतलब बस ये होता है कि कोई भी कंज्यूमर कौन सा बंडल प्रेफर करता है जिसमें ज्यादा मिले, बस यही बात लिखिए। लेकिन अंग्रेजी थोड़ा सा डिजाइनर है कि ए कंज्यूमर प्रिफर्स ए बंडल वेयर एटलीस्ट वन कमोडिटी इज मोर इफ नॉट बोथ। तो इसका मतलब है कि आप कम से कम एक कमोडिटी भी अगर ज्यादा मिल रही होगी किसी बंडल में, चाहे दोनों ना भी मिले, तब भी आप उसी बंडल की तरफ भागोगे जहां आपको ज्यादा मिल रहा है। तो एग्जाम्पल में भी यही दे रखा है कि कंज्यूमर विल प्रिफर 10.9 वाला बंडल ओवर 9.9 वाला बंडल। तो बस ऐसे कंज्यूमर को हम क्या बोलते हैं, मतलब मोनोटॉनिक प्रेफरेंस बोलते हैं। तो क्लियर हो गए मोनोटॉनिक प्रेफरेंस। चलो, तो ये तो थे कुछ छुटमुट पॉइंट्स। उसके बाद जो अगला टॉपिक है वो आपको जड़ से हिला देगा। इस टॉपिक का नाम है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो इस पर आप सितारा लगा लो और आप इस पर लिख सकते हो 1/3 मार्क्स। तो ये अकेला 1 या 3 नंबर तक में पूछा जाता है, और सबसे खतरनाक बात इसकी ये कि इस पर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, तो फिर बच्चा बेचारा परेशान। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो अब इस टेबल पर आ जाइए बच्चों वापस, जो आपने बनाई थी ना लेफ्ट पेज पर, और यहां पर चौथे कॉलम का जो नाम आपको देना है, अब उस चौथे कॉलम का नाम ही है क्या? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो यानी कि अब हम सीखेंगे MRS क्या होता है। तो चौथे कॉलम का आप नाम दे दो MRS। तो MRS की एक बार फुल फॉर्म दोबारा से बताओ अपने मुंह से, एक बार और बोलो, एक बार और बोल दो, ठीक है। तो अब ये हो गया फुल फॉर्म, तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। आइए, तो अब ये क्या होता है पहले थोड़ी सी चर्चा करते हैं, गंभीर चर्चा, फिर देखेंगे। अब इस टेबल को बिल्कुल गौर से देखना है आपको, जितनी गौर से हो सके। अब हम एक एप्पल से 2 एप्पल की तरफ जब मूव हुए, तो इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि आपने एक एप्पल की बढ़ोतरी करी। तो इसको मैं ऐसे लिख दूं +1, क्योंकि आप एक एप्पल से 2 एप्पल की तरफ मूव करें। लेकिन आपको एक एप्पल को बढ़ाने के लिए कुछ संतरों को कम भी करना पड़ा, तो आपने कितने संतरों की कुर्बानी दी? 4। तो क्या सब बच्चे सहमत है मेरी बात से जो मैं समझा रहा हूं? उसके बाद आपने एप्पल को 2 से बढ़ाकर 3 करा, यानी कि आपने एप्पल्स में फिर से एक बढ़ोतरी करी। लेकिन एप्पल की एक बढ़ोतरी करने के लिए आपको फिर से संतरों को कुर्बान करना पड़ा, तो कितने संतरे कुर्बान हो गए? 3। ओके, सिमिलरली फिर आपने एप्पल को फिर से 3 से बढ़ाकर 4 कर दिया, यानी आपके एप्पल में फिर से एक एप्पल बढ़ गया। तो एक एप्पल को बढ़ाने के लिए इस बार आपको कितने संतरों की कुर्बानी करनी पड़ी, बोलो ना अपने मुंह से। तो कितने संतरों की कुर्बानी करनी पड़ी? 2। और लास्ट भी बता देते हैं, फिर से आपने एक एप्पल को बढ़ाया, तो एक एप्पल को फिर बढ़ाने के लिए अब आपने कितने संतरों की कुर्बानी करी? 1। तो समझ आ रहा है जी सब बच्चों को? इतना ओके हो गया। तो ये जो संतरे की कुर्बानी हो रही है, इन शॉर्ट, इन नटशेल, उस संतरे की कुर्बानी को ही कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, पहले समझ आई बात? तो
अब पहला जो 11 लिखा हुआ है ऑरेंज के नीचे, अब उससे पहले क्या था, क्या हमें वो पता है? नहीं पता। तो सबसे पहले वाले पॉइंट पर कितनी कुर्बानी हुई संतरे की, क्या ये हमें पता है? नहीं पता। तो हम इसीलिए पहले वाले एमआरएस में लिखते हैं नॉट एप्लीकेबल या डैश, क्योंकि अभी आप पहले लेवल पर ये नहीं बता सकते कि कितने संतरों की कुर्बानी हुई है। तो पहले में आप लिख लो डैश या एनए, नॉट एप्लीकेबल। लेकिन उसके बाद 11 से आप 7 पर आ गए संतरे, तो कितने संतरों की कुर्बानी हुई? 4। तो यहां आप लिख लीजिए 4। फिर 7 से आप 4 पर आ गए, कितने संतरों की कुर्बानी हुई? 3। फिर 4 से 2 पर आ गए, 2, और 2 से 1 पर आ गए, 1। तो बस जो आपने कुर्बानियां करी हैं संतरों की, मतलब अंग्रेजी में कह सकते हैं जो आपने गुड्स को सैक्रिफाइस करा है, तो उसी गुड्स के सैक्रिफाइस को इन शॉर्ट हम क्या बोलते हैं? एमआरएस बोलते हैं। तो आपका एमआरएस का टेबल ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, पहले इतना क्लियर हुआ। तो ये तो है सिंपल तरीका, लेकिन थोड़ा सा इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को और समझना है। अब डेफिनेशन पढ़ेंगे हम। डेफिनेशन में लिखा है बच्चों जी, इट इज द रेट एट विच कंज्यूमर इज विलिंग टू गिव अप गुड वाई। मतलब कि ये वो रेट है जिस पर कोई भी कंज्यूमर गुड वाई को छोड़ने के लिए तैयार है। और वो क्यों गुड वाई छोड़ने के लिए तैयार है बताओ? क्योंकि उसको गुड एग्स ज्यादा मिल रहा है। आप संतरे क्यों कम कर रहे हो? क्योंकि आपको एप्पल ज्यादा मिल रहा है। तो यही बात अंग्रेजी में लिखी है। तो आगे लिखा है, इन ऑर्डर टू गेट एडिशनल यूनिट ऑफ गुड एग्स, यानी कि आप कितने गुड वाई छोड़ने के लिए तैयार हो, क्योंकि आपको गुड एक्स एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो समझ आ गया पहले अंग्रेजी? तो एग्जाम में आपको यही अंग्रेजी लिखनी है। तो इस पे भी मैं आर का सिंबल बना देता हूं। अपनी भाषा में कुछ मत लिख के आ जाना कि संतरे कुर्बान हुए इज इक्वल टू एमआरएस, वो सब टीचर नहीं मानेगी। ठीक है, अच्छा अब इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला वो तो याद ही रखना है। डेल्टा गुड्स सैक्रिफाइस्ड, मतलब कितने संतरे कुर्बान हुए, डिवाइडेड बाय डेल्टा गुड्स गेन्ड, कितने एप्पल आपको और मिले। अच्छा अब इसके सिंबल को बड़े ध्यान से देखना। इसका सिंबल देखो क्या लिखा है, एम आर एस लिखा है ना। अब उसके नीचे वो छोटा सा चिपका हुआ जो है वो देखो लिखा है एक्स वाई। उस एक्स वाई का क्या मतलब है? गुड एक्स और गुड वाई। एक्स और वाई का यहां पे इन सिंबलों का क्या मतलब है? गुड एक्स और गुड वाई। तो इसमें जो पहला वाला अक्षर होता है, जैसे एक्स पहले है, तो वो हमेशा डिनोमिनेटर में आता है, यानी कि वो आप हमेशा गेन करते हो। और जो दूसरा वाला अल्फाबेट होता है यानी वाई, वो न्यूमरेटर में आता है, यानी कि वो आप सेक्रीफाइस करते हो। समझ आ गई बात जो मैं समझा रहा हूं बारीकी? तो अब हमारे एग्जाम्पल में बताओ कि क्या लिखा जाएगा सोच के। हमारे एग्जाम्पल में डेल्टा, ये देखो इसको दवाई खिलाओ। हमारे एग्जाम्पल में पूछ रहा हूं, हमने क्या नाम दिए हैं गुड्स के? डेल्टा ऑरेंज बाय डेल्टा एप्पल, क्योंकि हम गेन कौन सा कर रहे थे? एप्पल। तो वो आएगा नीचे डिनोमिनेटर में। हम सैक्रिफाइस कौन सा कर रहे हैं? ऑरेंज। तो वो आएगा न्यूमरेटर में। पहले इतनी कहानी क्लियर हुई? तो 3 बार रिपीट करना है। फॉर्मूला बोलो, फॉर्मूला क्या है? डेल्टा गुड्स सैक्रिफाइस डिवाइडेड बाय, दोबारा बोलो, डेल्टा गुड्स डिवाइडेड बाय डेल्टा गुड्स गेन। फिर तीसरी बार बोलो, डेल्टा गुड्स डिवाइडेड बाय डेल्टा गुड्स गेन। हमारे एग्जाम्पल में किसको सैक्रिफाइस करा? ऑरेंज को। और किसको गेन करा? एप्पल को करा। तो पहले इतनी कहानी क्लियर हुई? तो इसको अगर मैं अपने एग्जाम्पल में अब फिट करूं, आपको नहीं लिखना, बस आप देखते रहना ध्यान से, आपकी ये वैल्यूज बिल्कुल ठीक हैं, आप मत रब कर देना, आपका सब कुछ सही है। तो अगर अब मैं फॉर्मूले के मुताबिक लिखूं, तो हमने कितने ऑरेंजेस को सैक्रिफाइस करा? 4 डिवाइडेड बाय कितने एप्पल्स हमने गेन करे? 1। तो एक्चुअल में मैथमेटिक्स ये ऐसे बन रही है 4।
एक्चुअल वैल्यू। फिर अगले बार कितने आपने ऑरेंजेस को सैक्रिफाइस करा, 3, डिवाइडेड बाय कितने आपने एप्पल्स को गेन करा, 1। तो ये एक्चुअल में मैथमेटिक्स ऐसे बन रही है। देन अगेन कितने ऑरेंजेस आपने सैक्रिफाइस करे, 2, और डिवाइडेड बाय कितने एप्पल्स आपने गेन करे, 1। तो बोलो बच्चों जी, क्या आपको एमआरएस समझ में आया अच्छे से? यहाँ तक कहानी बिल्कुल क्लियर हो गई सब बच्चों को? चलो ठीक है। अब एक नंबर का सुपर हॉट क्वेश्चन जो इस बड़े से सितारे में लिखना है, तो इस सितारे में लिखिए मेरे साथ साथ, एमआरएस इज द स्लोप ऑफ, बताओ एमआरएस जो है वो किसका स्लोप होता है? इनडिफरेंस कर्व का। वेरी गुड। तो ये बात आपको 1 नंबर में याद रखनी है। तो ये जो आप एमआरएस पढ़ रहे हो ये किसका स्लोप होता है? इनडिफरेंस कर्व का स्लोप होता है ना? तो जो हमें वैसे चर्चा करनी है वो यहीं तक करनी है, लेकिन अब हम कुछ गंभीर चर्चा करेंगे इन्हीं से रिलेटेड। थोड़ा आपके दिमाग में कंपाइल करवाऊंगा मैं चीज़ों को, ताकि आप देखोगे कैसे लिंक बनता है। तो पहले यहाँ तक कहानी ओके हो गई सबको? क्लियर है यहाँ तक? चलो तो अब देखो बच्चों, सिर्फ आपको एक रीकैप के लिए, सिखाने के लिए बता रहा हूँ, ताकि आपके माइंड में चीज़ों का समावेश ढंग से हो। हमने जो सबसे पहला चैप्टर पढ़ा था उस चैप्टर का नाम था इंट्रोडक्शन। उसमें आपने एक ऐसा कर्व बनाया था और आपने कहा था ये कॉनकेव शेप है। तो ये क्या था? पीपीसी। फिर आपने इस चैप्टर में एक कर्व बनाया जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन था, यानी कि इसकी शेप है स्ट्रेट लाइन। तो इस कर्व को हमने क्या कहा था? बजट लाइन। फिर आपने आज एक कर्व बनाया है जो ऐसा है, जिसकी शेप को आपने कहा कॉन्वेक्स। तो ये कौन सा कर्व है? इनडिफरेंस कर्व। तो इकोनॉमिक्स में डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व्स के ये 3 ही शेप पॉसिबल होते हैं। तो आप देखो तीनों कवर कर चुके कहीं ना कहीं। सबसे मज़ेदार बात, इससे भी ज़्यादा, पीपीसी का भी आपको स्लोप पढ़ाया था, बजट लाइन का भी आपको स्लोप पढ़ाया था, और इनडिफरेंस कर्व का भी आपको स्लोप पढ़ाया है। तो बताइए किसी को याद है कि पीपीसी के स्लोप को हमने क्या नाम दिया था या क्या बोलते हैं? MRT या MOC ये लिखवाया था उस चैप्टर में, यानी कि इसकी फुल फॉर्म होती है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन या मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कुछ भी कह सकते हो। बजट लाइन के स्लोप का आपने क्या नाम दिया था? MRE यानी मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज, जो आपने अभी लास्ट लेक्चरों में पढ़ा है। और आज जो इंडिफरेंस कर्व पढ़ा इसके स्लोप का क्या नाम है? MRS। तो इसका मतलब अभी तक की इकोनॉमिक्स में हमने 3 वैरायटी के कर्व पढ़ लिए, तीनों शेप कवर हो गई, और तीनों तरह के शेप्स का, इन कर्वों का स्लोप क्या है, अलग अलग है। तो ये एग्जाम तक पहुंचते पहुंचते काफी कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो कई बच्चे पीपीसी का स्लोप MRE लिख रहे होते हैं, बजट लाइन का स्लोप MRS लिख रहे होते हैं, इनडिफरेंस कर्व के स्लोप को MOC लिख रहे होते हैं। तो पहले इतनी बात क्लियर हो गई ना? तो आपको कंपाइल करके रखना है कि तीनों अलग कर्व्स हैं, तीनों के स्लोप्स जो हैं वो अलग हैं। इतनी कहानी ओके। उसके बाद सबसे मजेदार बात, पीपीसी वाला जो स्लोप है MRT या MOC, और आज जो आपने इनडिफरेंस कर्व का जो स्लोप पढ़ा यानी MRS, इन दोनों का तो फॉर्मूला भी सेम है। दोनों का ही फॉर्मूला है डेल्टा गुड्स सैक्रिफाइस्ड डिवाइडेड बाय डेल्टा गुड्स गेन्ड। तो एक बार अपने मुंह से बोलो, क्या है डेल्टा गुड्स सैक्रिफाइस डिवाइडेड बाय डेल्टा गुड्स गेन्ड। हां, बीच में ये जो स्लोप है बजट लाइन का, बस ये थोड़ा अलग है, इसका इन बातों से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इसका स्लोप तो होता है रेशियो ऑफ प्राइसेस ऑफ 2 गुड्स। तो क्लियर हुई कहानी? तो पहले ये बताइए,
ये तीनों बातें कंपाइल होके दिमाग में आपको समझ आई डिफरेंस कि क्या होते हैं अलग अलग प्रकार के कर्व्स जो हमने अब तक पढ़े और किसका स्लोप क्या है इंक्लूडिंग फॉर्मूला। तो क्लियर हो गया। अच्छा तो बस ये थी कहानी जो हमें डिस्कस करनी थी। तो ये था बच्चों आज के हमारे इस लेक्चर में। आई होप आपको पूरा वीडियो लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। मुझे प्लीज कमेंट करके बताना कि आपको इस टॉपिक में कौन कौन सी चीजें आसान लगी या कोई मुश्किल चीज जो आपको इस लेक्चर में लगी तो वो भी प्लीज मुझे मेंशन करके नीचे जरूर बताना। क्या बच्चों के 5 नंबर कट जाएंगे बोर्ड्स में? किस बात के? मतलब जब ये पढ़ाई के अलावा ब्रेक लेते हैं तो इंस्टाग्राम पर टाइम वेस्ट करते हैं और अभी तक मेरे को फॉलो नहीं करा। तो ठीक है बच्चों के कटने तो 5 नंबर, क्या होता है? और कल को जब ये पढ़ लिख के अच्छा कॉलेज जाएंगे, अपना प्रोफेशनल सर्कल बढ़ाना होगा, तो लिंक्डइन पर भी अभी मेरे को फॉलो नहीं कर रहे, तो ठीक है इनका सर्कल छोटा रह जाएगा, मुझे क्या है? मोटिवेशन चाहिए। हाँ बच्चों को तो मोटिवेशन के लिए मेरे ट्वीट तो फॉलो करते ही होंगे, क्या नहीं करते? तो ठीक है बच्चों की मर्जी, इनके नंबर भी कटेंगे ना, इनको मोटिवेशन मिलेगी ना इनका प्रोफेशनल सर्कल बड़ा होगा, ठीक है कोई बात नहीं।